हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टाटा स्टील इस स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील ही नहीं, सारे टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में एक ओपिनियन देना चाहूँगा आप सबको। लेकिन उससे पहले बात करते हैं टाटा स्टील की। तो 52 वीक का आई है 1534, 52 वीक का लो है 655। क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 96,76,226। डिलीवरी क्वांटिटी 27,54,991। डिलीवरी परसेंटेज 28.47%। गिरती हुई मार्केट में 28.47% इज टू गुड। और यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंट है वो डिलीवरी बेस सेलिंग नहीं है, डिलीवरी बेस बाइंग है। economicstimes.indiatimes.com पे एक न्यूज पब्लिश हुई है, टाटा ग्रुप्स आउट परफॉर्मर्स इन द रैंक होल्ड स्वे। ये न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है, आप जाके पढ़ सकते हो इस न्यूज को। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं टाटा के स्टॉक्स के बारे में। तो टाटा आप सबको पता ही है, वैसे तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ टाटा ग्रुप का, जितने भी स्टॉक हैं उनके, क्योंकि टाटा ग्रुप का स्टॉक आप कहीं भी बाय कर लीजिए, आपको कभी धोखा तो देगा नहीं, इवन आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। तो ये URL है tata.com/investor/stock-data। ये URL है, ये URL मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप ये स्टॉक डायरेक्ट वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। 17 स्टॉक्स में टाटा स्टील, देखिए मार्केट गिर रही थी, टाटा स्टील ऊपर था, उसके बाद में टाटा स्टील लॉन्ग है ये भी, तो ज़्यादा डाउन नहीं है ये सारे स्टॉक्स जो हैं। बहुत सारे स्टॉक्स 52 वीक के हाई लगाने के बाद में थोड़े रिट्रेस हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी सिर्फ एक ओपिनियन है, टाटा ग्रुप का कोई भी स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर चुके हो और आप होल्ड करके बैठे हो, आप प्लीज़ होल्ड करके रखिए। आपको और पैसा अगर ऐड करना है तो टाटा के ही स्टॉक्स में ऐड कीजिए, किसी और स्टॉक्स में ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और ये स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे, जितना आप होल्ड करके रखोगे इन स्टॉक्स को आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं अभी टाटा स्टील के बारे में। ये है इस स्टॉक का वन डे का चार्ट, वन डे के चार्ट में आ रहे 65। ये है वन आर का चार्ट, वन आर के चार्ट में आ रहे 64। ये है वन वीक का चार्ट, वन वीक के चार्ट में आ रहे 54। ओवरऑल तीनों चार्ट में RSI बहुत अच्छी है। ये स्टॉक यहाँ पे, मैं वीकली चार्ट में ज़रा बात करता हूँ, ये स्टॉक यहाँ पे नीचे फॉल हुआ, इस स्टॉक में नीचे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया 1060 के आसपास में, उसके बाद से ये स्टॉक नियर अबाउट 2 मंथ से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा था, मतलब कि ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे नीचे 1060 के आसपास में, ऊपर यहाँ पे 1250 के आसपास में। तो अब ये स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। वन आर के चार्ट में एक स्टीप इसने ट्रेंड लाइन फॉलो की है, और ये स्टॉक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक इसने यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डब्लू पैटर्न बना नहीं पाया पूरी तरह से, उसके बाद नीचे आया, फिर से ऊपर ब्रेक किया, 1250 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर नीचे यहीं पर ही 1060 के आसपास में आ गया। उसके बाद से अब ये स्टॉक यहाँ से जब इसने जो रेसिस्टेंस है ये इसने ब्रेक किया है, और ब्रेक करके स्टॉक 1254.45 पे बंद हुआ है। तो अभी इस स्टॉक में जो लोग ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड हैं प्लीज़ इन्वेस्ट रहिए, आप इस स्टॉक को और ऐड कीजिए। अगर ये स्टॉक मंडे के ट्रेडिंग सेशन में नीचे आता है, सपोज करो जैसे मार्केट अभी थोड़ा डाउन है निफ्टी, अगर ये नीचे मिलता है आपको 1215 पे मिल जाए या उससे और भी नीचे मिल जाए, लगता नहीं है मुझे कि अभी आपको मिल पाएगा 1215 पे, अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, 1200 भी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आप बाय कर लीजिए। अगर आपको एक स्टॉक मौका नहीं दे रहा और ये स्टॉक लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर ये ऊपर ही निकलेगा, फिर ये रुकेगा नहीं, और ये स्टॉक फिर उसके बाद में ऊपर 1350, 1460 और उसके बाद से ऑल टाइम हाई तो है ही इसका, ये इसके ऊपर के टारगेट्स हैं। मैं स्विंग ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसे पोजिशनल में भी रख लेंगे तो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक दे के जाएगा। ये टाटा का स्टॉक है, आपको धोखा नहीं देगा। तो जैसे ये टाटा के स्टॉक्स हैं 17 स्टॉक, आप चाहो तो इन स्टॉक मैं से कुछ भी स्टॉक, जितने भी स्टॉक्स आप सेलेक्ट करना चाहो, आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहो, आप इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे टाटा पावर है, टाइटन के बारे में सबको पता है, टाटा मोटर के बारे में सबको पता है, टाटा स्टील तो चल ही रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के बारे में सबको पता है, सब ये सारे स्टॉक्स हैं, सब अवेयर हैं इन स्टॉक्स के बारे में, और बहुत अच्छा प्रॉफिट सबने लिया भी है इन स्टॉक्स में, ऐसा नहीं किसी ने प्रॉफिट नहीं लिया होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे टाटा स्टील की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।